आने वाले हरियाणा के विधानसभा चुनावों में भी अब हरियाणा में बीजेपी नेताओं और उम्मीदवारों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लोकसभा चुनाव की तर्ज पर ही अब हरियाणा विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी के नेताओं और उम्मीदवारों को घेरने के लिए किसान संगठनों ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने का ऐलान कर रहा है, उसके लिए पूरी रणनीति यहां पर तैयार कर ली गई है। तमाम अलग अलग किसान संगठनों के नेता एक मंच पर इकट्ठा हुए और आगे किस तरीके से इस संघर्ष को आगे बढ़ाना है इसको लेकर रूपरेखा यहां पर तय कर ली गई है। और खास बात ये भी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इस किसानों के विरोध का असर चुनाव पर देखने को मिल सकता है, क्या कुछ रणनीति यहाँ पर तैयार की गई है इसी पर बातचीत करते हैं। मुझे बताइए कि अराजनीतिक संगठन आप लोगों ने बनाया था और एक तरीके से संघर्ष का आगाज तो कर दिया था लेकिन अंजाम तक ये संघर्ष नहीं पहुँच पाया था, किस तरह की रणनीति अब आप लोगों ने आगे तैयार की है, क्या कुछ आगे रूपरेखा रहेगी? देखिए, जो ये आंदोलन SKM गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में शुरू किया गया उसका नतीजा पूरे देश के सामने है। सबसे बड़ा नतीजा तो उसका यह है कि इस आंदोलन से पहले जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हमें किसान और मजदूर मानने को ही तैयार नहीं थे, कम से कम अब वो ये मानने लग गए अपनी इंटरनल मीटिंग्स में भी, जैसा मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि किसान मजदूरों के और सरपंचों के आंदोलन ने बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। तो अब तमाम राजनीतिक पार्टियां ये समझ गई हैं कि किसान मजदूरों के मुद्दों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसकी एक छोटी सी बानगी हमें 3 दिन पहले संसद की कार्रवाई के दौरान देखने को मिली, किस तरीके से MSP गारंटी कानून, किसान मजदूरों की कर्ज माफी का मुद्दा, इसके अलावा जमीन अधिग्रहण का मुद्दा संसद के अंदर गूंजा है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आगामी 8 जुलाई को देश भर में भाजपा के 240 सांसदों को छोड़ के बाकी 303 सांसदों को किसान बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर अपना मांग पत्र देंगे और उनसे ये मांग करेंगे कि खाली बात करने से काम नहीं चलेगा, आप संसद के आगामी मानसून सत्र में किसानों और मजदूरों की मांगों पर एक प्राइवेट बिल लेके आइए ताकि वहां पे वोटिंग हो सके। जब वोटिंग होगी तो कम से कम हमें यह पता लग जाएगा कि कौन सांसद किसान मजदूरों के साथ खड़ा है और कौन सांसद किसान मजदूरों के खिलाफ खड़ा है। इसी कड़ी में हमारे आगे के भी कार्यक्रम हैं। चलिए, मुझे बताइए कि ये विरोध जो लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा प्रदेश में देखने को मिला था, जिसका असर का जिक्र भी अब किया जा रहा है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी किसानों का इसी तरह का कोई प्रतिकार, कोई विरोध देखने को मिल सकता है और किस प्रारूप में वो सब कुछ सामने आएगा? देखिए, विरोध नहीं, सवाल थे। सबसे पहले तो हम क्लियर करें, हमारा विरोध नहीं, हमारे सवाल थे, लेकिन हमारे सवाल ही बहुत बड़ा उनके प्रति विरोध थे। उनको, उनके पास हमारे एक भी सवाल का जवाब नहीं था। हम पूछते थे क्या कसूर था शुभकर्ण का, क्यों सीधी गोली मारी, क्या कसूर था हमारे लखीमपुर खीरी वाले किसानों का, जिसमें आपके मंत्री और मंत्री के बेटे और उसके गुर्गों ने गाड़ी चढ़ाकर 4 किसानों और एक पत्रकार साथी को दड़ कर कुचल कर मारा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लिखित में उनके ऑफिस से 9 दिसंबर 2021 को हमारे को लेटर मिला था, जो उसमें लिखित में मांगे थे उनको हम पूरा करवाने के लिए कर रहे थे। दूसरा, जब कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री होते समय, तो कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी वो कहते थे भी स्वामीनाथन योग सी 2+50 के साथ फसलों के भाव मिलने चाहिए, फसल खरीद क्वालिटी बननी चाहिए, उसी को मांग रहे थे ना। अब मुझे तो ये बताइए कि विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति आप लोगों ने तैयार की है, किस तरह का प्रारूप आप लोगों ने तैयार किया है? देखिए, जो आप कहना चाहते हैं वो हम स्पष्ट शब्दों से कह देते हैं, उन सभी 90 के 90 बीजेपी कमल के फूल पर लड़ने वाले लोगों को कह देते हैं, जिस तरह आपने हमारे ऊपर गोलियां चलाई, जिस तरह आंसू गैस के गोले छोड़े, जिस तरह इंजेक्टर मोर्टार दागे, उस तरह आप भी हमारे गाँवों में आओगे। अभी भी समय है, हमारी चुनाव से पहले पहले हमारी जो बॉर्डरों पे हम बैठे हैं, हम शंभू मोर्चा, खनौरी मोर्चा, रतनपुरा, संगरिया और डब वाली किलियाँ वाली बैठे हैं, अगर हमारी बात नहीं सुनते हो तो मजबूरन हमें आपको, जब आप हमारे गांव में आओगे, हमारे कस्बे में आओगे, किसान मजदूर के पास आओगे, तो जो व्यवहार आपने हमारे साथ किया वैसा तो हम नहीं कर सकते। हम उन शासन में रहकर आपको जो पहले लोकसभा में किया उससे भी ज़्यादा जो है काम करके और आपको जो है यहाँ से चलता करने का काम करेंगे। हम गैर राजनीतिक मोर्चे से हैं, हमारा किसी को हराने और जिताने का मकसद नहीं है, लेकिन फिर भी हम इतना काम करेंगे तो उनको गांव में, कस्बे में घुसना मुश्किल हो जाएगा। किसान जब राजनीति से जुड़ जाता है तो ये कहा जाता है कि अराजनीतिक शब्द आप लोगों ने तो इस्तेमाल किया, लेकिन आप ही के संघर्ष में शामिल कुछ लोगों ने अपनी पार्टियों का गठन कर लिया, पहले पंजाब का चुनाव लड़ा और अब गुरनाम सिंह चढ़ूनी हरियाणा का चुनाव लड़ने का जिक्र कर रहे हैं, इससे आप लोगों के संघर्ष को, आप लोगों के आंदोलन को नुकसान पहुँचता है? जी, पहुँचता, ये बात सही है
इससे हमारे आंदोलनों को नुकसान पहुंचता है। पहले हम जब दिल्ली से जीत के आए थे, पंजाब वालों को भी यही भुलेखा था, हमारे बड़े बड़े लीडर थे जो, उनको ये भुलेखा था कि हमें जाते ही लोग MLA बना देंगे, क्योंकि किसान का देखो हमारे सारी पार्टियाँ, कोई पार्टी क्या पता हमें कल को इनके खिलाफ भी करना पड़ जाए, कोई पार्टी भी हमारे लिए ऐसी नहीं है जो हमारे किसान के साथ पूरा चलती है। इसलिए देखो ये गलती कर रहे हैं, ये लीडर गलती कर रहे हैं, क्योंकि किसान जो यूनियन है वो तो किसानों के लिए काम करती है। राजनीति यदि करेंगी, लोगों ने नकार दिया है, पीछे जो इलेक्शन पंजाब में हुआ है 2-3 हज़ार से वोट ज़्यादा किसी को आई नहीं है। इसलिए हम इन यूनियन से रिक्वेस्ट करते हैं भी आप ऐसी हरकतें ना करें और आप सिर्फ किसानों के लिए ही लड़ें। किसान संघर्ष में शामिल जो लोग हैं उनके लिए नसीहत यहाँ पर किसान नेताओं की तरफ से दी जा रही है, और साफ ये कह रहे हैं कि राजनीति में शामिल होने की जरूरत नहीं है, ये अनुभव आप पंजाब से हासिल कर चुके हैं और आगे किस तरीके से विरोध वो करेंगे। 90 विधानसभा सीटों पर किसान अपने सवालों के साथ यहाँ इंतजार करेंगे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का, और उसके बाद एक बार फिर मुश्किल का सामना भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को उम्मीदवारों को करना पड़ सकता है। सोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।